दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ एडमिंटन कनाडा से, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं समरी फ्रॉम चंडीगढ़। आपका नाम है निखिल खुराना, यस सर। और निखिल जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आपको क्या हेल्प चाहिए है मेरे से, क्या क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? एक्चुअली सर, आई बिकेम पीआर इन अगस्त 2016। देन आई स्टेड इन एडमिंटन फॉर लाइक 3 months, एंड आई फाइल्ड माई कंपनी देयर, अ ट्रैवल कंपनी विच आई एम रनिंग इन इंडिया राइट नाउ, एंड इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देन आई गॉट द सेम कंपनी फाइल्ड इन कैनेडा इन एडमिंटन। Then I came back to India in October 2016 because since I had a staff here in India, तो वो लोग परेशान हो रहे थे कि काम नहीं देख पा रहे थे, तो फिर मैं इंडिया वापस आया। Then I went back to Canada again in 2017 for like 2 months, for 2-3 months, yes। मैं फिर दो तीन महीने वहाँ रहा। मैंने अपना हेल्थ कार्ड बनवाया एडमिंटन में, और मैं एग्जीबिशंस करता था और मैं ट्रैवल का ही काम करता था। बट देन वन फाइन डे माई मदर कॉल्ड मी दैट यू शुड कम बैक टू इंडिया एंड गेट मैरिड, गेट सेटल्ड एंड गो बैक टू कैनेडा बिकॉज आई एम वरीड अबाउट योर लाइक रूटीन। क्योंकि सिंगल हैं तो पीयर प्रेशर भी रहता है और वैसे फैमिली प्रेशर भी रहता है शादी के लिए। देन आई केम बैक टू इंडिया लाइक सेप्टेम्बर 2017। या And then I got fixed to one of my clients for the last 10 years, and we were about to get married in June 2018. But suddenly we were about to get married in July 2018. But then unfortunately I met with an accident, and it was a very serious accident. I was in coma for 31 days, and I got a brain injury. And I met with an accident in the month of June before my marriage. तो मुझे होश आते आते मतलब आराम से 4-5 महीने लग गए, मुझे होश आ गया था लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। तो मेरे लिए शायद ये कैनेडा ही था, इंडिया में भी तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है और मुझे हुआ क्या है, सिंस इट वॉज अ वेरी सीवियर ब्रेन इंजरी। आई गॉट ब्रेन कंट्यूजन, तो मेरी पार्शियल मेमोरी चली गई। बट देन डॉक्टर ने कहा कि इसको सब कुछ याद करवाएं, तो मेरे डैड ने मुझे पासपोर्ट दिखाया, मेरे को फोटोग्राफ दिखाई। मुझे धीरे धीरे मतलब ब्लर ही रहा सब कुछ मेरे साथ, और इससे पहले मुझे सब कुछ याद आता। और मेरी मदर शी वेंट टू ICU फॉर 2 months, शी कुड नॉट हैंडल माय स्ट्रेस, क्योंकि मेरे को देख ही नहीं पा रही थी कि आई गॉट डिसेबल्ड एंड आई एम द ओनली सन, आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड। तो वो शायद नहीं झेल पाई इसको, तो वो खुद ही ICU में चली गई 2 महीने के लिए। तो फिर जब वो वापस आई हॉस्पिटल से, जब हम घर लेकर आए उन्हें, फिर सब डॉक्टर्स ने भी कहा कि तुम शादी करो ताकि वो और मतलब वो ठीक हो जाए, उनको पॉजिटिविटी चाहिए अराउंड हर सेल्फ। तो देन आई गॉट मैरिड इन 2019 नवंबर। We were about to shift to Canada since my PR card was valid till 29th August 2021 last year. मैंने 2020 में सोचा कि मैं move कर जाऊंगा, and my wife conceived a baby that time, and I thought we will get it delivered in India, in Canada. तो और हमने सब कुछ plan कर लिया था आने के लिए, और but COVID happened in March. देन डॉक्टर्स रिफ्यूज कि आप मत जाओ भी बाहर, क्योंकि सिस्टम बहुत खराब रहेगा, और सिंस इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग वायरस, प्लस आई एम नॉट लाइक फिजिकली फिट टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स अलोन, सो आई नीडेड सम हेल्प। तो फिर वो शायद नहीं हो पाया हमसे ना कि हम कोरोना में कैनेडा मूव करें। फिर देन वी गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी डॉटर इन 2020, जून 2020। बस फिर उसके बाद से अभी तक कोरोना खत्म ही नहीं हो रहा है, और मेरा पीआर कार्ड एक्सपायर हो चुका है, और मेरे को अपनी मेरी वाइफ और बेटी को लेकर आना है, उनका पीआर अप्लाई करना है। उनका टूरिस्ट वीज़ा 2 बार अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, और उनकी फाइल अभी तक ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है।
और उसके ऊपर कोई भी आई थिंक एक्शन नहीं है, बट मेरा पीआर कार्ड एक्सपायर हो चुका है और मुझे वापस आना है। कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको धीरे धीरे हम इसको इसकी परतें खोलेंगे। आपको आवाज आ रही? आवाज आ रही नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। आप इस प्रॉब्लम को लेके जितने भी इमिग्रेशन लॉयर्स कंसल्टेंट्स हो चंडीगढ़ के, जो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े जो नामी ग्रामी लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? वो तो कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा, कनाडा जाना पड़ेगा, और अपनी वाइफ को भी टूरिस्ट वीजा पे ले जाओ, वहीं पर इनका वर्क परमिट फाइल कर देंगे, और पता नहीं वो बड़ा ही लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, और जबकि इतना लंबा होना नहीं चाहिए। और क्योंकि मेरी जो कंडीशन है और जो मेरे साथ इंजरी हुई है, इट इज़ नॉट कॉमन, तो आई थिंक थोड़ा तो उनको लीवरेज देना चाहिए मुझे कि मैं, मेरी वहाँ पे कंपनी है कनाडा में फाइल्ड है, मैं फिर एडमिंटन में एग्जीबिशंस करता था, केडेज करता था, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरा एग्जीबिशन का भी, और ट्रैवल का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे क्लाइंट्स भी हैं वहाँ पे, बट अब अनफॉर्चुनेटली आई एम स्टक इन इंडिया ड्यू टू माई इंजरी एंड कोरोना ऑफ कोर्स। आपने किसी किसी कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर से एडमिंटन में या कनाडा में कांटेक्ट किया? टोरंटो में किया था कांटेक्ट, तो उन्होंने कहा था कि अपनी सारी प्रोफाइल हमें भेज दो एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको आपकी वाइफ को ही लेकर आना पड़ेगा टूरिस्ट वीज़ा पे। तो फिर मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया और उन्होंने कहा कि वीज़ा तो आपको तभी मिलेगा अगर आप किसी एमपी को बोल दो। फिर मैंने अपने लोकल एमपी को बोला एडमिंटन में, उन्होंने एम्बेसी को ईमेल किया मेरे लिए। मैंने जुलाई में अप्लाई किया था वीज़ा अपनी वाइफ और अपनी बेटी का कि मैं पीआर कार्ड एक्सपायर होने से पहले निकल जाऊंगा, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना मेरे लिए मुश्किल है बिकॉज आई एम पार्शली डिसेबल्ड। तो फिर वो तो मुश्किल मुश्किल क्या, वो तो कोई भी जाने ना देता मुझे और मैं खुद ही ना आता, बट वीज़ा अभी तक नहीं आया। फिर हमने दिसंबर में दोबारा अप्लाई किया, 5 दिसंबर को दोबारा अप्लाई किया, फिर भी नहीं आया वीज़ा। फिर मैंने उन कंसल्टेंट से बात की तो वो बोलते डेढ़ मिलियन फाइल्स हैं उनके पास, वो परेशान है, नहीं पता नहीं कितनी कितनी फाइल्स हैं, वो शायद दे देंगे आपको, चिंता ना करो आप। मैंने कहा ठीक है सर। या आज की डेट में, आज हम पहली बार बात कर रहे हैं, आज की डेट को देखते हैं आज क्या हो रहा है। आपका पीआर कार्ड एक्सपायर हो चुका है? हाँ जी सर। और आप पिछले 5 साल में कितने दिन कनाडा में रहे हो? मैं तकरीबन रहा हूँ सर 111 दिन। आप पिछले 5 साल में 111 दिन कनाडा में रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है, थोड़ा बात मेरी ध्यान से सुनना, उसको गौर करके सुनना। पहली बात तो यू आर नॉट अ पीआर एनीमोर, आपका पीआर स्टेटस मोर और लेस इज आउट। यस सर। क्योंकि आपने जो सेक्शन 28 की है रेगुलेशन की, जो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन है, वो आपने मीट नहीं करी। आपका जो भी कोई जिंदगी में कोई भी रुझान रहा होगा कि आपने बिजनेस करना है, ट्रैवल करना है, कोविड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जो जो भी कोई मिसफॉर्चून हो गया, ओके, लेकिन आपने जो जब आपको पीआर कार्ड इशू हुआ कैनेडियन सरकार ने, तो वो इसमें आपको शर्त डालते हैं, देते हैं, आपको कागज भी देते होंगे कि आप मिनिमम 735 दिन आपको 375 तो आपको 2 साल आपको यहाँ पर रहना चाहिए, जिससे कि आपको पीआर रिन्यूअल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पीआर की जो वो शर्त को मानने से इनकार कर दिया, जो भी वजह होगी, इसलिए आपका पीआर कार्ड इस वक्त वैलिड नहीं है। अभी आप अगर कोई भी टिकट बुक करा के अपने आप अगर जाओगे कनाडा की तरफ, तो आपको एयरलाइन आपको बोर्डिंग पास नहीं देगी और आप दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस आ जाओगे। नंबर वन, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपका टूरिस्ट वीज़ा का सवाल है आपकी धर्मपत्नी का, तो वो भी लगने वाला नहीं है। ओके। चाहे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चिट्ठी लिखवा लो, चाहे इमिग्रेशन मंत्री से चिट्ठी लिखवा लो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा से चिट्ठी लिखवा लो, मेरी समझ में, क्योंकि लॉ आपके साथ सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी ही पीआर अपना स्टेटस आप खो चुके हो, और उसके साथ अगर आप अपनी धर्मपत्नी को ले जाना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उसका तो पर्पस ही टेम्पररी नहीं है। डैट मीन्स कि आप वहाँ पर कनाडा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट यू बीइंग पीआर, और वो वापस कैसे आएगी? अगर आप पीआर भी हो
तो भी इसको वेस्टर्न वीज़ा मिलने वाला नहीं था। तो जितने भी कंसल्टेंट्स और ये इमिग्रेशन लॉयर्स ने ये जो बीन बजाई है कि ये कर लो, मैं उससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। मतलब मेरे ख्याल में थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं है उनसे, और ये सही कानूनी सलाह भी नहीं है। तो वो भी होने वाला नहीं है। बच्चा आपका भी है 1 साल का, कितने साल का? सर वन एंड हाफ, डेढ़ डेढ़ साल साल का। डेढ़ साल का बच्चा है। अब चक्कर ये है कि बच्चे को भी साथ ले जाना है टूरिस्ट वीजा पे, तो बच्चे को भी लेगा। तो ऑल टुगेदर हस्बैंड वाइफ एंड एंड बेबी को टूरिस्ट वीजा मिलना असंभव है। असंभव मीन्स नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है कि आपको मिलने वाला नहीं है। असली जो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो कहाँ पर है, प्रॉब्लम को जो समझना हमें वो है कि आपका रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन आपने करी नहीं। आप टोटल दिन वहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो रहे नहीं, इसलिए आपका वो ख़त्म हो गया। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, मैं कोशिश करूँगा अगर अगर आप देख लेंगे तो। एक एप्लीकेशन, आप उसके $50 की फ़ीस है, पहले थे पता नहीं, आजकल जो बढ़ना गई हो शायद। तो वो आप एप्लीकेशन एक फ़ाइल करें, कैनेडियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली में फ़ाइल करेंगे आप एप्लीकेशन। तो उस एप्लीकेशन का मकसद है कि आपके पहले जो पीआर का जो स्टेटस है उसका असेसमेंट आपको वो वीज़ा ऑफिसर करके देंगे, कि जिससे कि आपको एक चिट्ठी में आ जाएगी कि भाई आपका मिस्टर निखिल खुराना का पीआर स्टेटस फाइनली बंद हो गया है, नहीं हो गया, जो भी कोई स्टेटस है वो ऑफिशियल एक लेटर आ जाएगा। उसके उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर अगर वो कहते हैं कि आपका जी हमने स्टेटस खत्म कर दिया क्योंकि आपने दिन पूरे नहीं रहे, तो आपको वो 60 डेज देंगे कि आप इसको अपील फाइल कर सकते हो। अपील फाइल होगी यहाँ कनाडा में इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में, अपील फाइल होगी वहीं से आप फाइल कर सकते हैं, मतलब कि इट्स बाय बाय मेल। और अपील में वो डिसाइड करेंगे कि आपको पीआर कार्ड दोबारा से वही रिन्यू होगा नहीं होगा या कैसे होगा। अगर तो वो रिन्यू कर देंगे तो किस्मत की बात है, आपको पीआर कार्ड दोबारा मिल जाएगा और फिर आपको दिल्ली हाई कमीशन वाले आपको कह देंगे आप जा सकते हो। लेकिन आपकी धर्मपत्नी को फिर भी जाने नहीं देंगे और बच्चे को भी जाने नहीं देंगे क्योंकि वो उनके पास कोई स्टेटस नहीं है और उनके पास कोई वेस्टर्न वीज़ा उनको इतनी आसानी से देंगे नहीं, क्योंकि वेस्टर्न वीज़ा उनका मकसद नहीं कि एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। सो दे डोंट फॉल इन द टेम्प्रेरी कैटेगरी, तो उनको फिर भी देंगे। तो आपको खुद ही अकेले जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा वहाँ पर, और एडमिंटन में जो भी आपको काम करना है वो आप करेंगे। उसके बाद फिर आप जब आपका, अभी आपको पता नहीं ना, आपने आपकी जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है कनाडा में उसके बेस पे आपने वाइफ को और बच्चे को आप स्पॉन्सर करेंगे, तो वो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन पीआर के लिए हो सकता है कि उसको 1-2 साल और लग जाएं। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि ओमिक्रॉन है, कुछ है, क्या पता कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं जो मैंने आपको कानूनी एक जो मैंने आपका जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए, उसकी कड़ी शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ शायद आ जाए, कि वो आपको कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को बड़ी हैरानी है कि बड़े बड़े लॉयर्स ने और बड़े बड़े कंसल्टेंट ने, सारे जो बड़े बड़े दुकान खोल के बैठे हैं, उन्होंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया क्यों नहीं। बट शायद स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? हाँ जी सर, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है सर, जी IM5529। जी इसको आप, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं है तो IMM5529 कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल दें। और ठीक है जी, ये टी इसका नाम जो है इसको कहते हैं PRTD, डी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। और ये एप्लीकेशन जो है ये आप इसकी जो वो ले लें, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रखी है क्या है, अगर आपको टाइम है तो मैं बता देता हूँ आपको कि इससे आपको ये इससे आपको प्रूफ, यू नो, आपके जो भी वो जो है सारे आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, पीआर की फोटोकॉपी और टैक्स रिटर्न, एडमिंटन के एड्रेस, कंपनी अपनी जो भी कुछ है, आपके सारे दिन है सारे इसमें लिखा हुआ है। रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन में आपको 730 दिन रहना होता है, जो भी आपके दिन पूछेंगे कितने हैं, तो वगैरह वगैरह ऐसे कुछ है इसमें। और ये एप्लीकेशन इसमें आपके जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन कंपोनेंट भी होता है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ उसका भी आप बता सकते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसको देखकर भी हो सकता है कि आपको वो फेवरेबल दे सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गारंटी, इट इज़ ऑलवेज ऑन द केस बाई केस बेसिस। और ये जो इसके जो फॉर्म नंबर है, इसको फॉर्म नंबर कॉल 5524, ठीक है वो सर, ठीक ऊपर वाला गाइड का नंबर था और ये है फॉर्म नंबर 5524। इसको है, आप ठीक। सेव कर लें, आपको ओपन करके सेव कर लें, और इसका इसमें लिखा होगा इसको जमा करना है, आपको फोटो भी ठीक है लगेगी, सर, फीस भी, फीस वही है $50, मैंने कहा था $50 फीस है, तो ठीक है सर, वही है। ठीक
और ये डॉक्यूमेंट आपको ये करना है, आपकी दिल्ली हाई कमीशन में ही करना है आपको, वहाँ के उनकी आपकी वेबसाइट से एड्रेस लेने। और ये रेगुलर एप्लीकेशन है, लाइक अ फिजिकल एप्लीकेशन है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। मतलब इसको प्रिंट करके आप करके आप रजिस्टर्ड पोस्ट से आप वहाँ भेज ठीक सकते, है और इसके बाद फिर वो आपको डिसीशन देंगे कि हमें क्या करना है। इस एप्लीकेशन को जो नॉर्मल टाइम में, आजकल तो कोविड वाला चल रहा है, नॉर्मल टाइम में इसमें 3 से 4 महीने लगते हैं नॉर्मल टाइम में। अभी आप कोविड में कितना टाइम लगे, अभी हैव नो आइडिया, मे बी 6 months, हु नोस। तो इसमें दो बातें होंगी, अगर आपको उन्होंने पीआर दे दिया तो आपकी चांदी हो जाएगी, आपका पीआर का वो आपको एक पासपोर्ट आपका मंगाएंगे, पासपोर्ट में वन वन टाइम वीज़ा लगा देंगे, इट्स कॉल्ड PRTD वीज़ा। तो उस वीज़ा से आप कनाडा की तरफ फ्लाई कर सकते हो और आप जा सकते हो। अगर आपके आप साथ साथ में इस बहाने से आप इसी बहाने से जब आपको PRTD वीज़ा वो देते हैं, तो इस बहाने से उनसे एक और रिक्वेस्ट कर लेना, भाई अगर आपको मेरे बच्चे को और पत्नी को अगर आप टूरिस्ट वीज़ा दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी, कि अदरवाइज़ फिर मैं स्पॉन्सर करूँगा, स्पॉन्सर के लिए 1-2 साल लगेगा, बच्चा मेरा रुल जाएगा। तो वो आप कोशिश करके देख लेना, शायद उनके दिमाग में आ जाए, वो दे दें। बाकी बाकी और कोई तरीका नहीं है, यही ठीक तरीका है, आपको ये एप्लीकेशन भरो, आप ये एप्लीकेशन जमा करो है। और अगर फिर जैसे वेट करो। सपोज अगर PRTD मिल जाता है, उसके बाद मैं कनाडा में लैंड करता हूँ, एंड इट्स अ सिंगल एंट्री वीजा, तो मैं जब लैंड करूंगा तो आई कैन अप्लाई फॉर अ न्यू PR कार्ड, और डू आई हैव टू स्टे देयर फॉर 7-30 days? नहीं, पीआर कार्ड आपको नहीं मिलेगा। आप कनाडा पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको अपने दिन फिर शुरू करने पड़ेंगे, आपको 730 दिन। आप कनाडा में फिजिकली आ गए, कनाडा में फिजिकली आ गए आप, तो इसमें आपकी जब भी आप कनाडा में जो पीआर कार्ड को रिन्यू करने की एप्लीकेशन डालनी है, तो जी उसके लिए आपको दिन अपने, पीआर कार्ड फ्री में नहीं पड़ता, पीआर कार्ड के लिए वो 730 दिन कमाने पड़ते हैं। थोड़ा सा आप बुरा ना माने, मैं आपको लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब जी, जो पीआर हाँ पीआर कार्ड के चाहवान तो बहुत है, लेकिन पीआर कार्ड के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि भाई पीआर कार्ड दे दिया तो 730 दिन यहाँ रह भी जाओ ना। ये लेकिन तो लेकिन है। आपने बिजनेस के चक्कर में या किसी और चक्कर में अप डाउन आप करते रहे, आपने ये नहीं सोचा कि पीआर कार्ड जो पहले मिला था 2017 में, कब मिला था सोलह आपको, में 16 मिला था, उसके बाद आपको अगर पीआर की मर्यादा मेंटेन करनी थी तो आपको 730 दिन रुक जाते आप वहां पर कनाडा में। उसके बाद आप बहुत ही इजी है इसमें, 2 साल आपको कनाडा में रहना है और 3 साल आप बाहर रह सकते हो। तो इससे ज्यादा उदारवादी पीआर पॉलिसी दुनिया की कहीं नहीं हो सकती, ये बहुत ही इजी है। अगर यही कार्ड आपके पास अगर अमेरिका में होता, अगर ग्रीन कार्ड होता, तो उसमें तो आपसे तो वो आपसे 2.5 साल मांगते हैं एवरी 5 ईयर्स में। तो और यू नो उसमें आप उसमें तो क्या, अमेरिका वाले में तो यह है कि आप 1 साल से ज्यादा बाहर रह नहीं सकते, और कनाडा वाले तो कह रहे हैं आप 3 साल लगातार बाहर रह लो तो भी कोई चक्कर नहीं है। तो जितना हाँ जितना बड़ा दिल कनाडा का है, उतना दिल किसी कंट्री का नहीं है। अगर PRTD मिल जाता है, सॉरी, और मैं वहां पे लैंड करता हूँ, तो आई कैन अप्लाई फॉर अ न्यू PR कार्ड? यू यू कैन नो यू व्हाट आई सेड इज यू हैव टू स्टिल गो। आपको पीआरटीडी का पर्पस ये है कि आपको दोबारा से अपनी जिंदगी एंट्री जिंदगी शुरू करने का मौका देते हैं, बस इतना ही है। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। और अगर PRTD जैसे मिल जाता है, तो फिर आई कैन अप्लाई फॉर माय वाइफ्स विजिटर वीजा अगेन, और कैन आई जस्ट पुट अ फाइल विस्टर पुट विस्टर वीजा तो देखिए, आप चाहे कनाडा से अप्लाई करेंगे उसके लिए, चाहे यहाँ से करें, इट हैज द सेम सेम अ असेसमेंट। विस्टर वीजा आज के डेट में विस्टर वीजा सबको मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहीं है। ओमिक्रॉन है, कोविड का चक्कर है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। तो इस करके मैं नहीं समझता कि इतनी ईजी है सबको मिलना। जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं जिनको सारे रिकॉर्ड, उसको भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको PRTD वीजा अगर यहाँ से मिलता है, तो वो बहाना एक अच्छा है आपके लिए कि भाई वीजा ऑफिसर माई बाप, आप इतनी दया करिए तो इस पर भी दया कर दें। और सर, अब जैसे अगर मेरे को PRTD मिल जाता है और मेरी वाइफ को भी टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, तो हम लैंड कर जाते, तो आई कैन अप्लाई फॉर द PR, देयर PR, वाइल आई लैंड इन कैनेडा? यू कैन स्पॉन्सर हर, ओके यू कैन स्पॉन्सर हर श्योर, वाइल विद इन, दिस इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन विद इन कैनेडा। उसमें उसमें फायदा सिर्फ इतना ही है, मैं एक बात बात पूरी कर लेता मेरे को, उसमें फायदा जी
फायदा ये है कि चाहे जितना भी टाइम लगेगा उस एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि साथ में तो रह ही रही है कनाडा में। ठीक है। और सर अब जैसे हाँ, विजिटर वीजा अगर नहीं मिलता तो बाहर से करोगे तो बाहर से तो एक डेढ़ साल लगेगा ही। और अगर हम जैसे कनाडा में पहुंच जाते हैं और मैं उनकी पीआर फाइल कर देता हूँ, एंड आई कैन पुट एन एप्लीकेशन टू द एम्बेसी दैट ऑन एचएनसी ग्राउंड्स, ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स, दे कैन गिव माय फैमिली अ पीआर ऑन अर्जेंट बेसिस। नो आई डोंट थिंक सो। ऐसी कोई अर्जेंट इसमें कोई बेसिस नहीं है। उसमें एचएनसी कंसिडरेशन लगी, वो तो डायरेक्टली इज अ फैमिली स्पॉन्सरशिप, हस्बैंड वाइफ के स्पॉन्सरशिप पे है। तो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे अगर आपको यहीं से पीआरटीटी मिल गया तो यही गनीमत है। बस आगे उनकी जो वाइफ की स्पॉन्सरशिप है, बच्चे की स्पॉन्सरशिप में एचएनसी नहीं लगेगा। अच्छा, बट अभी एक रिसेंटली ना, एक अभी कोविड के टाइम पे एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था, तो लोगों ने पीआरटीटी अप्लाई किया था एंड वन फेलो गॉट पीआरटीटी एंड ही वाज इन इंडिया फॉर द लास्ट 11 इयर्स। वो 11 साल से इंडिया में था, उसने पीआरटीटी अप्लाई किया, उसको मिल गया। उसके शायद रीजंस बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस रीजंस थे उसके इंडिया में रहने के, एंड दे कंसीडर्ड हिज एप्लीकेशन एंड देन ही वेंट टू कैनेडा इन अक्टूबर। तो उसने वहाँ जाके पीआर कार्ड अप्लाई किया हुआ और वो अभी दिसंबर में इंडिया वापस आ चुके हैं। तो मैंने कहा तुमने पीआर कार्ड कैसे अप्लाई किया और आया क्यों नहीं तुम्हारे? कहते मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है एक साल का और मैं गया हूँ, मैंने पीआर कार्ड अप्लाई किया, वो अभी फिर मेरे पास वीज़ा तो है ही एक साल का, मैं दोबारा जाऊँगा तो पीआर कार्ड रिसीव कर लूँगा अपने दोस्त के घर से। उससे मैं अलग से बात करूंगा। वो जो भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक केस फर्क हो सकता है। उसको तो पहले मेरे को ये पूछना था कि तू भाई 11 साल से बाहर था, तेरे को मसा पीआरटीडी मिला कि तू जाके फिर तू मुड़ के आ गया, तेरे को रहना भी है कि नहीं है। सो वी कैन नॉट कंपेयर सिचुएशंस कि उसको क्यों मिला, कैसे मिला और वो क्या आ गया, फिर उसके पास कितने दिन है, तो उसको अलग से हम उससे बात करेंगे बेस्ड ऑन दिस। ठीक है। हाँ, बट उसका शायद मे बी केस डिफरेंट रहा होगा, या उसने शायद वो कुछ झूठ भी बोल सकता है, क्या पता। वी हैव नो आईडिया, यू नो, वी हैव नो आईडिया कि मे बी ही इज फाइटिंग अपील, मे बी ही इज ऑलरेडी हैज डेज लेफ्ट, व्हाट वाज द रीजन व्हाई इज ही हियर, यू नो, इसको एक साल का टेंपरेरी मिला है शायद कि नहीं मिला, यू नो, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। सो आई कैन नॉट कंपेयर। इमिग्रेशन की दुनिया में जितनी भी मर्जी आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे चले जाओ, गूगल ग्रुप पे चले जाओ, हर एक केस पे सब जो आपस में बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि मेरा हुआ, तेरा की नहीं हुआ, तेरा हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, दिस ऑल डिफरेंट केसेस। यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर कि फलाने को वीजा मिल गया, मेरे को नहीं मिला, यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर। ठीक है सर। अब मतलब मैं आपने जो बोला 1155245524 जो है आई विल पुट दैट एप्लीकेशन फॉर पीआरटीडी और लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से, है ना। तो शायद क्या पता बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो पीआरटीडी मिल जाए और मैं कनाडा लैंड कर जाऊँ। देन आई विल अपील फॉर माय वाइफ एंड डॉटर्स वीज़ा एज वेल वंस आई हैव पीआरटीडी फाइल्ड ऑन माय स्टैम्प्ड ऑन माय पासपोर्ट। सो आई विल डेफिनेटली फाइट फॉर माय वाइफ्स। आपके पास और कोई तरीका है ही नहीं है, यही आपके पास जो तरकश में तीर है, इससे आपको अगर तीर चलाना है यही तीर चलाना है, और आपके पास कोई हथियार है ही नहीं है। मेरे को बड़ी हैरानी है ये है कि आप, हमारी तो आज पहली बार बात हो रही है आपसे, ये आपको एप्लीकेशन पिछले साल ही कर लेनी थी, मतलब कि जब आपका पीआर खत्म हो रहा था। हाँ जी, पता नहीं था वो, तो मैंने आपका रेफरेंस किसी ने दिया फेसबुक पे और तो फिर मैंने आपको एकदम से कांटेक्ट कर लिया और मैंने आपसे बात कर ली, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात कर चुका था और कोई भी शायद नहीं जानता था और सब ने ये आपको वापस आना पड़ेगा, नहीं तो पीआरटीडी आपको पीआर छोड़ना पड़ेगा, आप प्रोवोक कर सकते हो अपना पीआरटीडी। तो पता नहीं वो अपना पीआर, सॉरी मेरे दिमाग में पीआरटीडी घूम रहा है। तो क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट ले सकता हूँ और उनसे अपील कर सकता हूँ कि मुझे दिया जाए ट्रैवल डॉक्यूमेंट सो दैट आई कैन लैंड बैक टू कनाडा एंड स्टार्ट लिविंग माय लाइफ विद द सेम। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर देता हूँ, मेरे को एक केस याद आ रहा है, किसी लॉयर ने बताया था, किसी कंसल्टेंट ने बताया था मेरे को कि उनके पास भी पीआर कार्ड था और वो एक्सपायर कर गया था या कर रहा था, तो
किसी वजह से उनको अपनी फैमिली से मिलने, उनकी फैमिली में कनाडा में टोरंटो में किसी की डेथ हो गई थी, तो उनको एकदम से जाना पड़ गया था, जाना था मतलब डेथ हो गई थी एकदम से जाना था, तो उनका पीआर कार्ड शायद खत्म हो गया था या रिसेंटली खत्म हुआ था, इट्स वेरी नियर खत्म होने का, तो उनको ये शक हो गया कि हम जा नहीं पाएंगे, तो किसी ट्रैवल एजेंट ने पंजाब में, स्पेशली पंजाब, पंजाब के बंदे करते हैं इशारा, किसी ट्रैवल एजेंट ने उसको कहा कि भाई तुम्हारा पीआर कार्ड तो अभी रिन्यू नहीं होगा, तो एक ही तरीका है जाने का, अगर आपको कनाडा जाना है तो इसको आप सरेंडर कर दो। हाँ। तो उन्होंने एक फॉर्म होता है, फॉर्म वेबसाइट पे दे रखा है, तो उन्होंने फॉर्म भर के दिल्ली हाई कमीशन को अपना पीआर कार्ड और फॉर्म भर के वो दे दिया कि भाई ये हम ये सरेंडर कर रहे हैं और वो आप मेरे को वेस्टर्ड वीजा दे दो। तो वीजा ऑफिसर ने उससे पूछा आर यू श्योर, दे हैव टू चेक इट आउट यू नो इंटरव्यू करके, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं हाँ ये कर दो, तो उन्होंने कहा कर देते, करके वो फिर वो पीआर कार्ड खत्म हो गया, तो वो रेगुलर एक फॉरेन नेशनल बन गए, तो उनको वेस्टर्ड वीजा दे दिया और वेस्टर्ड वीजा लेकर वो आई थिंक 10 साल का वीजा दे दिया, तो वो वहाँ पर टोरंटो में आ गए। जब वो टोरंटो में आ गए तो डेथ खत्म हो गई, डेथ की सर्विनी खत्म हो गई, जो भी कुछ हो गया बाद में अब चक्कर पड़ गया कि भाई हम तो कनाडा आ गए, अब तो हमारे पास तो पहले पीआर था, जिसके जिसके मुंह में, एक शेर के मुंह में अगर पुराना खून लगा होता तो दोबारा याद आता कि यही हमारा वो है कि पीआर तो हम पहले भी थे और अब भी मैं आ गया हूँ बहाने से क्या मतलब रीजन से आ गया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता, मेरे को पीआर कार्ड मिल जाए। अब वो चक्कर काट रहा है लॉयर्स के कि पीआर कैसे मिले। तो अब ये किसने कहा कि नहीं जी आपको मिल जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन बेस पे मिल जाएगा, ऐसे फलाना मिल जाएगा। तो उन्होंने फिर मेरे को एक बार कॉल किया और उन्होंने बताया, मैंने कहा कि तुम्हें पीआर अब दोबारा मिल नहीं सकता, वो पीआर जो आप अपनी मर्जी से सरेंडर करके आए हो, आपको किस बेवकूफ ने कहा था कि सरेंडर कर दो, एक बार जब आपने सरेंडर कर दिया डैट मीन्स कि आपने यू हैव लॉस्ट एनी राइट ऑफ अपील। अगर अब जैसे ये पीआर टीडी एप्लीकेशन आप कर रहे हो, अगर वीजा ऑफिसर मना करेगा तो आप यू हैव अ राइट, क्योंकि आप पुराने पीआर हो तो आपके पास विद इन 60 डेज आपके पास एक राइट ऑफ अपील है, लेकिन आप जब सरेंडर करते हो अपनी तरफ से तब आपको राइट ऑफ अपील नहीं होता, तो यू हैव लॉस्ट अपील। तो उसने वो अपील लॉस्ट कर दिया आपने, और अभी दोबारा पीआर बनने के लिए इसको दोबारा से पूरा एक्सप्रेस एंट्री, दोबारा से वो शुरू जो भी कुछ है जैसे भी क्वालिफाई करता है वो करना पड़ेगा, मतलब वही पीआर इसको दोबारा जो हमने जिस चीज को हमने थूक दिया उसको हम चाटना चाहें तो वो दोबारा थूक मिलने वाला नहीं है, तो वो उसका वो क्या। तो मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हें वो ट्रैवल एजेंट पंजाब का जहाँ भी का भी था, अगर तुमसे अगर वो ये नहीं देता सलाह तो तुम आज तुम्हारे पास वही पीआर कार्ड होता अभी। अगर आप उसकी डेथ के नहीं जा पाते डेथ होके, लेकिन पीआर आप मेंटेन कर सकते थे, एक उम्मीद सी एक कंटिन्यू होती क्योंकि उसको भी ये अप्लाई करना था, लेकिन बस वही बात है, लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है जी जिसने कह दिया वो, लेकिन वो जो कानूनी सलाह है, और इसको मैं कई बार अपने यूट्यूब वीडियो पे कह चुका हूँ, कानूनी सलाह अगर सही टाइम पे सही आदमी को सही सिचुएशन मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन कानूनी सलाह सोचते हैं लोग अरे कुछ नहीं यार गूगल पे पढ़ लेंगे व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे, मेरा काम ऐसी जगह पैसे का खर्च करने, ऑफकोर्स आई डू चार्ज मनी फॉर लीगल एडवाइस, लेकिन ये है कि लीगल एडवाइस मैं वो देता हूँ जिससे कि लोगों का भला हो, और छोटी से पैसे में आपके हजारों लाखों रुपए भी बच सकते हैं आपके अगर सही आप करेंगे। जैसे पीआर कार्ड, आपके पास पीआर कार्ड अगर आपको मिल जाएगा तो पीआर कार्ड की वैल्यू क्या है, लाखों करोड़ों की वैल्यू है इसमें। अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये सही काम करो, अगर आप कर लेंगे और उसको अगर आपका वो हो जाएगा, बट आई कैन टेल यू व्हाट आर द कंडीशंस, हो जाएगा तो आपको लाखों का फायदा हो सकता है, लेकिन लोग सोचते क्या करना, कानूनी सलाह लेने तो बकवास है, जो मरता है जो चली जो सामने है वो करो अपना काम निकालो। ये बात मैंने IRCC की हेल्पलाइन में बात किया था कोविड से पहले, नहीं कोविड के दौरान ही शायद, और उनसे मैंने पूछा था कि ऐसे से मुझे प्रॉब्लम है और मुझे कनाडा वापस आना है, और लेकिन कोविड सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मैं नहीं आ सकता और मैं डिसेबल्ड हूँ, और मे भी शायद उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, उन्होंने बोला कि सर आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, ये वो है, उन्होंने दो तीन चीज़ें बताई, और कुदरती मैंने फ़ोन काट दिया और मुझे 10 मिनट के बाद कॉल आता है उसी एजेंट का, और वो कहती है सर मैं बठिंडा से हूँ और बट आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है और आपकी गलती नहीं है इसमें, तो फिर उसने मुझे एक लॉयर का नंबर दिया, और वो इमिग्रेशन लॉयर एम्बेसी में ही जॉब करते थे, अब वो रिटायर्ड है, तो मैंने उनको फ़ोन किया
तो वो वहां से पढ़े। आई एम सॉरी, ये इमिग्रेशन लॉयर एम्बेसी में काम करते थे दिल्ली में? नहीं, कनाडा में ही, मेरे पास कनाडा का नंबर था, तो उस लड़की ने बोला कि आप बता। एम्बेसी तो कोई है ही नहीं, एम्बेसी कहाँ से, कौन से एम्बेसी में काम करते थे इमिग्रेशन लॉयर? कैनेडियन एम्बेसी तो कोई है ही नहीं, कोई कनाडा में तो कैनेडियन एम्बेसी होती ही है, कैनेडियन एम्बेसी तो बाहर होती है। कैनेडियन कॉन्सुलेट में, सर मतलब जो वीजा। आप सर जी बात समझे इसको, कैनेडियन एम्बेसी और हाई कमीशन कनाडा के बाहर होती हैं, कनाडा के अंदर कोई एम्बेसी हाई कमीशन नहीं होती। तो वो कहीं आपको आपको गलतफहमी लगी है, वो कहीं और काम कर रहे हो, कहीं 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 और काम कर रहे थे, आपको गलतफहमी लगी। एनीवे, उसने उस आदमी ने क्या कहा आपको? तो उन्होंने कहा कि अरे आप चिंता क्यों करते हो, क्योंकि हमें हमें काफी बार केसेस आते हैं, तो एक केस तो हमें बहुत ही ज्यादा हिलेरियस केस आया था कि कोई एक शख्स थे आपके पंजाब साइड के, वो एक्चुअली पाकिस्तानी है, तो कहते आपके पंजाब साइड के एक शख्स थे, वो कहते हम गाय का चारा काट रहे थे और ऊपर वाली जेब से पीआर कार्ड गिर गया और वो भी कट गया चारे में, और हंसने लगे, कह रहे यार पीआर कार्ड जेब में रख के चारा कौन काटता है, और अगर चारा काट रहा तो पीआर कार्ड गिर कैसे गया? कहते फिर उनको हमें हमने उनको पीआरडी दिया, अब वो कनाडा से इंडिया आ चुके हैं, नहीं इंडिया से कनाडा आ चुके हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। तो कहते यार आपका केस भी बहुत ज्यादा, मतलब लाइक इट्स अ जेन्युइन केस, यू आर नॉट, मतलब कोई फ्रॉड नहीं है इस पे, क्योंकि सर मेरा जो हेल्थ कार्ड बना हुआ है ना एडमिंटन का, एल्बर्टा का, मैंने वहां पे भी अपने सारे मेडिकल अपने बिल्स भेज दिए थे एल्बर्टा में ना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट उन्होंने मेरे को रीइंबर्स किया, तो बट ठीक है। मेरे डैड बोलते हैं कि एक्नॉलेजमेंट तो है ना एटलीस्ट तुम्हारे पास, कि उन्होंने कंसिडर किया तुम्हें कि तुम कनाडा के बाहर हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी उन्होंने तुम्हें कुछ तो एक्नॉलेज किया ना तुम्हारे बिल्स को, तो इट्स अ गुड साइन। तो वो एक अलग इशू है, अलग बातें हैं, कॉलेज किया नहीं किया, वो प्राइम सरप्राइज के एक्चुअली के लोगों ने बातें तो करी कि तुम्हारा केस ठीक हो जाएगा वो जगह, लेकिन जो उन्होंने जो जो स्टेप लेना था वो स्टेप लेने को नहीं कहा, और आपने स्टेप लिया भी नहीं, और अनफॉर्चुनेटली यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम। तो आज ही कल में आप एप्लीकेशन भर के आप इसको जमा करें और फिर देखते हैं कि वीजा ऑफिसर क्या दिखता है। आपका कैमरा हिल गया शायद मेरे घर? हाँ जी सर, ठीक हो गया, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है मुझे ना। जी जी, सो ये एप्लीकेशन को आप जल्दी से भर के आप इसको जमा करें, फिर देखते हैं कि क्या क्या निकलता है इसके, और कोई चारा आपके पास है नहीं, यू हैव नो अदर सोल्यूशन। ठीक है सर जी, और अगर खुदा ना खास्ता इसमें अगर आपको अगर सफलता नहीं मिलती है, डैट मीन्स कि अगर आपका पीआरटीडी को अगर वो नहीं कंसिडर करते हैं, आपको वो रिफ्यूजल कर देते हैं, आपको चिट्ठी भेजेंगे कि आपके दिन आपने नहीं करे और योर एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड, तो आपको वो 60 days का टाइम देंगे अपील करने की। अपील मतलब कि आपको उसको इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, IRB टाइप करें गूगल पे, और उनके बोर्ड वहाँ पर एक उनका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, शायद ऑनलाइन भी होगा आजकल, तो वहाँ पर एप्लीकेशन भर के आप उनको इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में आप इसको फाइल करें, नोटिस ऑफ अपील आपको आएगा, उसको आप फाइल करें कि आपकी अपील मेरे को करनी है, तो आपको एक डेट देंगे, हो सकता है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन, तो फिर उस अपील में जो फाइनल डिसीजन होगा वो फिर जज होता है, जो मेंबर ऑफ बोर्ड होता है उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर है, उसका जो डिसीजन है फाइनल डिसीजन है कि आपको PR आपको मेंटेन करना है, आप अपील है, वो मेरी वर्चुअल अपील होगी, मतलब मैं इंडिया में रहूंगा या मुझे कनाडा आने देंगे वो लोग? नहीं, कनाडा नहीं आने देंगे आपको, कनाडा आने के लिए आपको फिजिकली पिछले साल में एक दिन आपको स्पेंड होना जरूरी है, अगर आप पिछले एक साल होगी, एक साल से पिछले साल 12 महीने तो आप कनाडा गए नहीं ना? नहीं। हाँ, फिर आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपका जो डिसीजन यहीं पर होगा और वो वहाँ से आपको फोन से आप जो भी पूछना है तो आपसे पूछेंगे, दैट्स इट, पर दे विल डिसाइड व्हाइल यू आर इन इंडिया, यू डोंट हैव टू बी फिजिकली, जो भी आपके जो फैक्ट्स हैं सिचुएशंस हैं वो आप अपने पेपर वर्क उनको भेजेंगे, और चाहे तो आप अपना लॉयर भी कर सकते हैं, अपना कनाडा में कोई लॉयर है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आई होप PRDD अप्रूव हो जाए, और जस्ट इन केस अगर नहीं होता PRDD अप्रूव तो मैं अपील फाइल कर दूंगा, तो लेट्स सी, आई विल गेट बैक टू यू वंस आई गेट अ रिप्लाई ऑन PRDD एप्लीकेशन।
कोई चक्कर नहीं, आप चाहे गेट बैक मेरे को करें ना करें, दैट्स ओके. आई हैव डन माय वर्क. जो मेरे को आपको बताना था, मेरे को तसल्ली है कि मैंने आपको सही चीज़ बताई है, और इंशाल्लाह आपका काम होना चाहिए और आपका मतलब होना चाहिए और होगा, और दिस इज़ व्हाट इट इज़. आई एम लिटिल शॉक्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम कि आप दो साल से तीन साल से धक्के खा रहे हो, आप पता कर रहे हो, कनाडा के लॉयर्स को भी फ़ोन किया करा और पंजाब के लोगों किया कि nobody led you to the right step कि भाई ये जल्दी करो, ये एप्लीकेशन फाइल करो, किसने ये निकाला. हाँ, अगर मुझे PRDD का पता होता तो मैं शायद पहले ही अप्लाई करते था PR कार्ड एक्सपायरमेंट से पहले. जी, ठीक है. थैंक यू निकल, और थैंक यू सो मच सर. बाय, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर, बाय.